वेलकम टू जसिंटा अलेक्जेंडर व्लॉग। हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो दिल्ली का मोस्ट हैंडसम लड़का वापस आ गया आपके अपने चैनल पे एक नया व्लॉग लेके। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अपने अपने घर में बहुत ही बढ़िया होंगे और लाइफ के फुल मज़े काट रहे होंगे गाइस। तो गाइस आज है फ्राइडे और आज जसिंटा काफ़ी मन हो रहा था नॉनवेज खाने का, तो मैं सोचा भाई क्यों ना मार्केट जाके खुद ही चिकन लेकर आया जाए। तो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पे नॉनवेज की मंडी है, जिसको आप मार्केट भी कह सकते हैं, नॉनवेज मार्केट। तो मैं अपने घर से निकल पड़ा हूँ पैदल पैदल मार्केट जाने के लिए। इससे मैंने सोचा भाई दो काम हो जाएंगे, एक तो वॉक हो जाएगी अपनी जो कि मुझे अपने 10,000 स्टेप्स करने में हेल्प करेगा, प्लस मेरे को नॉनवेज अच्छा चूज़ करने का मिलेगा क्योंकि मार्केट में गाइस बल्क में होता है, तो मैं वहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे कौन सा चाहिए चिकन। तो इस करके मैं निकल पड़ा हूँ। पूरे रास्ते में पैदल नहीं जाने वाला, अभी थोड़ी देर में मैं क्या करूँगा, अभी रिक्शा कर लूँगा। रिक्शा करने के बाद क्या होगा ना गाइस, क्योंकि कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर रिक्शा कर लेंगे वो सही रहेगा। प्लस काफ़ी दिन से इलेक्ट्रिक रिक्शे में बैठे नहीं थे, अगर डेली में रह के अब इलेक्ट्रिक रिक्शे में नहीं बैठे तो अब प्रॉपर डेली आइट है नहीं, तो बस उसी का मज़ा लेने जा रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भी आया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कि आज थोड़ी बारिश और थंडर स्टॉर्म होने की पूरी संभावना है, तो बस मौसम के चेंज होने का वेट कर रहे हैं और देखते हैं मौसम क्या रंग लाता है। तो आप देख सकते हैं हम इस समय रोड पर ही हैं, अभी थोड़ा सा क्रॉस करते हैं गाइस मैं मेन रोड की तरफ पहुँच जाऊँगा। ये गर्मी और ये ट्रैफिक बढ़ता हुआ, क्योंकि आपको पता है शाम का समय हो गया, तो धीरे धीरे लोग अपने ऑफिस से निकलते हुए आएंगे अपने काम से घर की तरफ, या कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो अब जाके बेचारे काम पे जा रहे होंगे क्योंकि बेचारों का फील्ड जॉब होता है, तो वो तो बिल्कुल सोल्जर की तरह होते हैं यार। हम घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर करते रहते हैं और वो बेचारे हमारा खाना डिलीवर करने सुबह दोपहर शाम रात पहुँचते रहते हैं, तो हैट्स ऑफ है उन लोगों को भी जो ऐसी ड्यूटियां कर रहे हैं। इसलिए मेरी तरफ से तो गाइस कोशिश ये रहती है जब भी मैं किसी फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगाता हूँ तो जो डिलीवरी बॉय आता है उसको रेटिंग अच्छी दी जाए, प्लस उसको कुछ अपनी टिप जो आपकी पॉकेट अलाउ करती हो कर देनी चाहिए गाइस, क्योंकि आपको खाना घर बैठे मिला है ना, आपने उसके लिए पे किया, लेकिन अगर कुछ टिप देने से आपका कुछ बिगड़ता नहीं तो लेकिन उसका जोर फैला रहता है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है गाइस। तो भाइयों बैठ चुके अपनी सवारी पे, हम रिक्शे पे आ गए हैं और मार्केट की तरफ निकल चुके हैं। भाई अपना ही मज़ा है यार रिक्शे पे घूमने का ना, तो रिक्शे का फुल एंजॉय लो। और ये हमारी रिक्शा है भैया, तो भैया हम मंडी की तरफ पहुंच गए। थोड़ा सा आपको थोड़ा भीड़ ज़्यादा लग रहा होगा और हो सकता है आपको देखने में वीडियो थोड़ा अच्छा ना लगे, लेकिन प्लीज़ इग्नोर करिएगा। क्यों? क्योंकि भाई मंडी ऐसी ही होती है, अगर आपने मंडी कभी देखी नहीं है तो चलो आज आपको जानने का मौका मिल जाएगा मंडी होती कैसी है। हाँ चलो आपको आज मंडी के दर्शन कराते हैं भैया। ये आप देख रहे हो कितना नॉन वेज बिल्कुल बल्क में कटा हुआ दिख रहा है बिल्कुल। हाँ इससे अंदाज़ा ले सकते हो भाई कि अपन पहुँच गया मंडी, सब कुछ मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, सब पंजे चाहिए चिकन चाहिए बोनलेस सब 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 मिलेगा सब। अच्छा पीस देना भाई, तो भाइयों ये अपना चिकन तैयार हो रहा है, अपन ने लिया बोनलेस और ये भैया जी हमारे पीस चिकन के कट करने वाले हैं। आज तो पार्टी है भैया। तो दोस्तों हम मंडी से अब निकल चुके हैं, अपन ने अपना चिकन ले लिया है, अब हम रोड क्रॉस करके करेंगे अपने लिए रिक्शा। इस एरिया में काफ़ी भीड़ रहती है गाइस, क्योंकि 2-3 रास्तों को कनेक्ट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे भीड़ रहती है। चलो अगर रिक्शा मिल रहा है कर लेते हैं फटाफट से। तो पहले रिक्शा मिल गया, तो रिक्शा अपन कर चुके हैं गाइस, घर जाके आपसे बात करेंगे ठीक है। तो भाई तुम्हारा भाई लौट चुका है मंडी से चिकन लेके, और बादल देख रहे हो ऊपर के,
ऊपर के बादल यही कह रहे हैं थोड़ी देर में बरसने वाले हैं बस। तो भाई दिल को खुशी इतनी हो रही है क्योंकि इतने टाइम से मैं कह रहा था भाई इंद्र देवता को थोड़े प्रसन्न हो जाओ हम पे, कर दो बारिश। और आज फाइनली भाई मैनेजमेंट वालों ने भी कह दिया, कौन, डिजास्टर मैनेजमेंट ने। कुछ ही देर पहले टेक्स्ट आया था कि अगले 3 घंटे के अंदर थंडर स्टॉर्म और कुछ बारिश होने वाली है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। रोड पे वीडियो बनाना गाइस सेफ नहीं होता, इसलिए दोनों तरफ देख के चलना पड़ता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए और वो चीज़ ना हो जाए जिसका डर लगता है कि भाई फ़ोन कोई खींच के ही ना ले जाए। तो सेफ्टी अपने हाथ में है। ओह, आज ही मैंने एक शॉर्ट डालता हाय गर्मी, ठीक है, और भगवान ने सुन लिया, भाई तू शॉर्ट तक बनाने लग गया गर्मी पे, चल थोड़ी बारिश कर ही देते हैं। तो भगवान करने वाले हैं बारिश। और पता है मैं रिक्शे वाले से ही बात कर रहा था कि भाई गर्मी आज लग नहीं रही, तो वो भी कह रहा हाँ एक दो दिन से गर्मी हो नहीं रही और आज तो मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो मज़े भैया, गाड़ियाँ कितनी हो गई हैं यार रोड पे, देख रहे हो पार्किंग की जगह ही नहीं है। इधर देखो हर तरफ पार्किंग पार्किंग घिरी पड़ी है। और जानकारी के लिए बता दूँ, ये पार्किंग नहीं है, ये नॉर्मल रोड है। तो ये हाल है, ये देख रहे हो। उफ, दिल्ली में रहना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन ये दिल्ली है मेरे जान, दिल्ली मेरी जान। तो दोस्तों तुम्हारा भाई पहुंच गया अपने घर, अब अपनी बीवी को दिखाएंगे हम चिकन लेकर आ गए, उनका फेवरेट, देखते हैं कर क्या रही है वो। हाँ भाई, ये लो तुम्हारा चिकन। क्या कर रही थी इतनी देर से? अरे यार मैं तो प्रेयर करने बैठ गई थी, प्रेयर कर रही हूं। क्या बात है, मुझे पता था मेरी बीवी प्रेयर कर रही होगी। ये देखिए गाइस, प्रेयर चल रही है, मेरी बीवी बेचारी प्रेयर करती रहती है। आज फादर ने भी रेड पहना, मैंने। क्या बात है, कोइंसिडेंस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आया आज तो। बाहर का मौसम बहुत बढ़िया था। अच्छा, हाँ, लगा कहीं आप बारिश वगैरह ना हो जाए, इस वजह से मैं वही सोच रही थी कब आओगे कब आओगे। अरे मैं खुद सोचा था अम्ब्रेला ले जाने का, लेकिन नहीं भाई मौसम तो ठीक था, तो सही रहा। हाँ, सही है, देख लो अपनी पसंद का है ना, बोनलेस लाया हूँ। यो मैं तो अच्छा फ्रेश कटा था भैया ने। हाँ सही है ना, फिर आज सोचते हैं क्या बनेगा। यो तो मिशन सक्सेसफुल हो गया है, बीवी ने जैसा चिकन मंगाया था वैसे मैंने उनको ला के दे दिया। और गेस व्हाट, अब एक, आपको पता है, एक तीर से दो निशाने करे मैंने आज। चिकन तो बीवी को लाके मैंने खुश किया ही है, प्लस आपको मुर्गा मंडी के दर्शन करा दिए, मतलब टूर हो गया प्रॉपर वो, ठीक है। अच्छा। और वो उनके लिए है जो लोग अभी तक कभी मुर्गा मंडी गए नहीं है गाइस, ये लाइफ भी देख लेनी चाहिए, है ना, वो भी एक वन ऑफ अ टाइम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ वीडियो का यही पे एंड, क्योंकि नेक्स्ट वीलॉग की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थोड़ी देर में, जिसमें मेरी वाइफ बनाने वाली है चिकन के कुछ डिशेस, और वो भी हम आपको नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।